हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास साइंस एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 4 हीट के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, स्टेट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर। हमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दोनों बताने हैं स्टूडेंट्स, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज का मतलब है स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या चीजें एक समान है, यानी ऐसी चीजें जो दोनों में ही कॉमन है। फर्स्ट सिमिलैरिटी देखते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ बोथ द थर्मोमीटर इज सेम। दोनों ही थर्मोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, काम करने का तरीका एक जैसा होता है। सेकेंड सिमिलैरिटी देखते हैं, बोथ आर यूज टू मेजर टेम्परेचर। दोनों ही थर्मोमीटर का यूज टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है। थर्ड सिमिलैरिटी देखते हैं, मर्करी इज यूज इन बोथ थर्मोमीटर्स टू मेजर टेम्परेचर। दोनों ही थर्मोमीटर में मर्करी का इस्तेमाल किया जाता है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, टेम्परेचर को नापने के लिए। फोर्थ सिमिलैरिटी देखते हैं, बोथ हैव सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट मार्किंग्स। दोनों ही थर्मोमीटर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही तरह की मार्किंग होती है, यानी आप चाहे तो सेल्सियस में भी टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट में भी टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं। दोनों ही थर्मोमीटर में सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों ही मार्किंग्स होती हैं। अब हम डिफरेंसेस देखेंगे स्टूडेंट्स कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में और क्लिनिकल थर्मोमीटर में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनमें क्या क्या चीजें अलग होती हैं। फर्स्ट डिफरेंस देखते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन फैक्ट्रीज एंड लेबोरेटरी, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स ओनली। अब इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, इसका इस्तेमाल फैक्ट्रीज में और लेबोरेटरी में अलग अलग तरह की चीजों का टेम्परेचर नापने के लिए किया जाता है, जबकि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, इसका यूज सिर्फ ह्यूमन बींग्स के टेम्परेचर को नापने के लिए किया जाता है। यानी कि अगर आपको अपना टेम्परेचर नापना है, तब तो आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज करेंगे, और अपने अलावा आप किसी भी चीज का अगर टेम्परेचर नापना चाहते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज में यूज होने वाली चीजें या फिर लेबोरेटरी में यूज होने वाली चीजें, इन चीजों का अगर आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज नहीं करेंगे, उसके लिए आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज करते हैं। अब हम सेकेंड डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स, जनरली लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज टेम्परेचर रेंज फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, उसकी जो टेम्परेचर की रेंज है, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होती है। यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर से आप आइस का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर की रेंज होती है, वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होती है। यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की जो टेम्परेचर नापने की, टेम्परेचर मेजर करने की जो रेंज है, वो क्लिनिकल थर्मोमीटर के टेम्परेचर नापने की जो रेंज होती है, उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होती है। अब हम थर्ड डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट्स, यूजली लेबोरेटरी थर्मोमीटर डज नॉट हैव एनी कंस्ट्रिक्शन, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज द स्मॉल कंस्ट्रिक्शन नियर द मर्करी बल्ब। अब इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है, उसमें मर्करी बल्ब के पास एक छोटे सी कंस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। कंस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कर्व होता है छोटा सा। ये कंस्ट्रिक्शन, ये कर्व क्या करता है, जब आप अपने मुंह में थर्मोमीटर लगाते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर, और उसको 1 मिनट के लिए रखते हैं अपने मुंह में, और उसके बाद जब आप उसको अपने मुंह से निकालते हैं और उसके बाद आप उसकी रीडिंग देखते हैं कि टेम्परेचर कितना है, तो इस ड्यूरेशन में, इस टाइम पर जो मरकरी होता है वो अपने आप नीचे नहीं आता, क्योंकि मरकरी बल्ब के पास एक छोटा सा कंस्ट्रिक्शन होता है जो कि उस मरकरी को बिल्कुल नीचे आने से रोक देता है। लेकिन जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है, उसमें ऐसा कोई कंस्ट्रिक्शन
नहीं होता। तो जब आप लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हो, हम एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि आपने एक बीकर लिया, उसमें आपने पानी डाला और फिर आप एक लेबोरेटरी थर्मामीटर को यूज करते हैं, आप उसको डालते हैं उस पानी में, और अगर आपको उसका टेम्परेचर चेक करना है तो आपको वो उसी टाइम पर करना होता है जब वो थर्मोमीटर उस पानी के अंदर हो। देखिए, मान लीजिए कि वो पानी गर्म है और आपने थर्मोमीटर का जो बल्ब वाला पार्ट है वो पानी में डाल दिया, और उसके बाद उसको आपको एकदम सीधा करके, सीधा वर्टिकली खड़ा करके रखना होता है, और जो टेम्परेचर है क्योंकि वो ज्यादा है उस बीकर के पानी का, तो जो मरकरी होता है थर्मोमीटर में, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में, वो मरकरी ऊपर की तरफ आता है। तो अगर आप पानी से निकाल कर उस टेम्परेचर को चेक करने की कोशिश करेंगे तो वो मरकरी अपने आप ही नीचे जाना शुरू हो जाएगा और आपको टेम्परेचर सही पता ही नहीं चलेगा। तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आपको टेम्परेचर उसी वक्त पता करना होता है जब वो किसी चीज का टेम्परेचर, जब आप उसको चेक कर रहे हो। लेकिन क्लिनिकल थर्मोमीटर में आप अपने मुंह में थर्मोमीटर यूज करते हैं, उसके बाद उसे बाहर निकालते हैं और उसके बाद उसकी रीडिंग लेते हैं, और इस दौरान जो मरकरी होता है वो डाउन नहीं होता। तो ये कंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है स्टूडेंट्स। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसमें ये छोटा सा कंस्ट्रिक्शन होता है जो मरकरी को अपने आप नीचे जाने से रोकता है, जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में ऐसा कोई कंस्ट्रिक्शन नहीं होता। अब हम फोर्थ डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स। लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैज टू बी केप्ट अपराइट वाइल टेकिंग द रीडिंग, वेयर एज क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन बी टिल्टेड वाइल टेकिंग रीडिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब है? जब आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर को इस्तेमाल करते हैं, लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज करते हैं किसी चीज का टेम्परेचर पता करने के लिए, तो आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर को वर्टिकली अपराइट रखना पड़ता है, यानी कि इस तरीके से एकदम सीधा खड़ा करके रखना पड़ता है। जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर में ऐसा नहीं होता। क्लिनिकल थर्मोमीटर में आप क्या करते हैं, अपने मुंह में थर्मोमीटर लगाते हैं, उसको कुछ देर मुंह में ही रखते हैं, और उसके बाद जब आप उसे निकालते हैं तो इस तरीके से टिल्टेड, यानी कि झुका कर, टेढ़ा करके भी आप उसको ऐसे देख सकते हैं। जबकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर में आप इस तरीके से थर्मोमीटर का यूज नहीं कर सकते, आपको एकदम ऐसे सीधा खड़ा करके ही थर्मोमीटर की रीडिंग लेनी पड़ती है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, गिव 2 एग्जांपल्स ईच ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट, यानी कि हमें 2 एग्जांपल देने हैं कंडक्टर ऑफ हीट के भी और इंसुलेटर ऑफ हीट के भी। कंडक्टर ऑफ हीट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कंडक्टर ऑफ हीट ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, अपने अंदर से कंडक्ट होने देते हैं, और इंसुलेटर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, यानी अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देते। तो कंडक्टर के यहां पर हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला एग्जाम्पल है स्टील और दूसरा है कॉपर। स्टील और कॉपर दोनों ही ऐसे मटेरियल है स्टूडेंट्स जो कि हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं, यानी ये दोनों ही कंडक्टर ऑफ हीट हैं। जबकि इंसुलेटर में हमने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं, वुड यानी लकड़ी एंड प्लास्टिक, यानी कि वुड और प्लास्टिक ऐसे मटेरियल है जो कि हीट को अपने अंदर से पास नहीं होने देते, यानी अपने अंदर से कंडक्ट नहीं होने देते। तो वुड और प्लास्टिक इंसुलेटर्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स आपको गिवन हैं उनमें आपको कोई वर्ड मिसिंग मिलेगा, आपको वो वर्ड वहां पर लिखना है। तो ए पार्ट देखते हैं, द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स डैश। किसी भी चीज की जो हॉटनेस है, उसकी जो गर्मी है, आप वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, आपको कैसे पता चलता है कि किसी चीज में कितनी गर्मी है, कितनी हॉटनेस है? इसके लिए आपको उसका टेम्परेचर नापना होता है। तो यहां पर सही आंसर रहेगा टेम्परेचर। द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। किसी भी चीज की हॉटनेस को नापने के लिए आपको उसका टेम्परेचर पता करना होता है। अब हम बी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ डैश थर्मोमीटर। जो बॉइलिंग वाटर होता है स्टूडेंट्स, उसका टेम्परेचर हम किस थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते? देखिए, 2 तरह के थर्मोमीटर होते हैं, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है स्टूडेंट्स, ये ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को नापने में काम आता है, और ह्यूमन बॉडी के अलावा अगर आपको किसी भी चीज का टेम्परेचर नापना है, जैसे कि यहाँ बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को नापने की बात हुई है, तो ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी भी चीज के टेम्परेचर को अगर आपको मेजर करना है, उसे नापना है, तो उसके
इसके लिए आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज करना होता है। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा क्लिनिकल थर्मामीटर। टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर से मेजर नहीं कर सकते। क्लिनिकल थर्मोमीटर से आप बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर नहीं नाप सकते। अब हम सी पार्ट देखेंगे। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री डैश। अब यहाँ पर आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें दो तरह की मार्किंग होती है, एक सेल्सियस में और एक फ़ारेनहाइट में। हम जो टेम्परेचर नापते हैं, जो टेम्परेचर मेजर करते हैं, वो सेल्सियस में मेजर करते हैं। तो यहाँ सही आंसर रहेगा सेल्सियस। टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को मेजर किया जाता है डिग्री सेल्सियस में। अब हम डी पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब यहां पर आपको ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि हीट तीन तरीके से ट्रेवल करती है या ट्रांसफर होती है। एक मेथड होता है कंडक्शन, एक मेथड होता है कन्वेक्शन और एक तीसरा मेथड होता है रेडिएशन। जो कंडक्शन होता है स्टूडेंट्स वो सॉलिड्स में यूज होता है। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन के थ्रू होती है, जबकि कन्वेक्शन किस में यूज होता है? वाटर में और एयर में। वाटर और एयर में जो हीट ट्रांसफर होती है या हीट ट्रेवल करती है वो कन्वेक्शन मेथड के थ्रू करती है, जबकि जो रेडिएशन मेथड होता है इसमें हीट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे कि जो सनलाइट होती है स्टूडेंट्स वो अर्थ तक कैसे आती है, जबकि सन और अर्थ के बीच में तो स्पेस है, अंतरिक्ष है, तो वहां पर तो हवा भी नहीं होती। तो जो सनलाइट होती है, जो सूरज की हीट है, सूरज की रोशनी है, वो अर्थ तक जो आती है वो रेडिएशन प्रोसेस के थ्रू आती है बिना किसी मीडियम के। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेडिएशन प्रोसेस में मीडियम है तो भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी, मीडियम नहीं है तो भी हीट ट्रांसफर हो जाएगी। तो यहां पर सही आंसर रहेगा रेडिएशन। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर ट्रांसफर ऑफ हीट, हीट ट्रांसफर करने के लिए बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन। अगर हीट का ट्रांसफर रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा हो रहा है तो उसमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। अब हम ई पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क। आपने गर्म दूध में एक कोल्ड स्टील स्पून डाल दिया। इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। अब देखिए, मान लीजिए कि कप है, उसमें गर्म दूध पड़ा हुआ है और आपने उसमें एक स्टील स्पून डाल दिया। अब उसका एक एंड तो गर्म दूध में है और एक एंड बाहर की तरफ है, तो उसमें जो वो वाला एंड है जो गर्म दूध के अंदर है, वहां से जो हीट ट्रांसफर होगी दूसरे एंड की तरफ, वो किस प्रोसेस के थ्रू होगी? वो कंडक्शन के थ्रू होगी। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो ये सॉलिड होते हैं इनमें जो हीट ट्रांसफर होती है एक एंड से दूसरे एंड की तरफ, ये कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा होती है। तो ई पार्ट का सही आंसर है कंडक्शन। अ कोल्ड स्टील स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, इट ट्रांसफर्स हीट टू इट्स अदर एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। अब हम एफ पार्ट देखेंगे स्टूडेंट्स। क्लोथ्स ऑफ डैश कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। अब यहां पर आप एक बात याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो डार्क कलर होते हैं ये लाइट कलर के कंपैरिजन में ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए, जब हीट पड़ती है डार्क कलर के कपड़ों के ऊपर, तो क्योंकि वो डार्क कलर के हैं तो वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनके ऊपर जब हीट पड़ती है तो वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और ज्यादा क्वांटिटी में, ज्यादा पार्ट ऑफ हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो सर्दियों के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े क्यों पहनते हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि वो ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और हमारे शरीर की गर्मी बनी रहती है, जबकि गर्मियों के दिनों में हम लाइट कलर के क्लोथ्स पहनते हैं ताकि अगर उन पर कोई हीट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए, क्योंकि लाइट कलर बहुत कम क्वांटिटी में हीट एब्जॉर्ब करता है और बाकी हीट को वो वापस रिफ्लेक्ट कर देता है। तो एफ पार्ट का सही आंसर है डार्क। क्लोथ्स ऑफ डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन क्लोथ्स ऑफ लाइट कलर्स। जो डार्क कलर के जो क्लोथ होते हैं स्टूडेंट्स वो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। किनके कंपैरिजन में? ऐसे क्लोथ के कंपैरिजन में जिनका कलर लाइट है। अब हम क्वेश्चन नंबर फोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर में हमसे कहा गया है मैच द फॉलोइंग। यहां पर हमें ये दो कॉलम गिवन है स्टूडेंट्स और हमें इनको मैच करके दिखाना है। देखिए, यहाँ लेफ्ट साइड में हमें गिवन है लैंड, ब्रीज, ब्लोज ड्यूरिंग,
Sea breeze blows during. Dark colored clothes are preferred during. Light colored clothes are preferred during. और यहाँ राइट साइड में हमें गिवन है स्टूडेंट्स समर विंटर डे नाइट. अब हम इन्हें मैच करते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले हमें गिवन है लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, तो इसके लिए सही आंसर रहेगा डी यानी के नाइट. जो लैंड ब्रीज होती है स्टूडेंट्स ये रात के समय लैंड से सी की तरफ ब्लो करती है. ब्लो करना मतलब फ्लो करना यानी बहना. ये फिनोमिना कैसे काम करता है स्टूडेंट्स इसको ध्यान से समझिएगा. रात के समय जो लैंड होती है जो जमीन होती है वो जल्दी ठंडी हो जाती है. किसके कंपैरिजन में? सी वाटर समुंदर के पानी के कंपैरिजन में. तो समुंदर का पानी गर्म रहता है रात के समय, तो समुंदर के ऊपर की जो हवाएं होती हैं वो ऊपर की तरफ उठती हैं, ठीक है, और उनके नीचे खाली जगह बन जाती है. और जमीन के ऊपर लैंड के ऊपर जो ठंडी हवाएं होती हैं वो उस खाली जगह को भरने के लिए लैंड से किस तरफ जाती हैं? सी की तरफ. तो लैंड से सी की तरफ जो ये ठंडी हवाएं चलती है रात के समय इन्हें लैंड ब्रीज कहा जाता है. तो लैंड ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा नाइट. इसके बाद देखिए सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग, इसके लिए सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स डे. अब ये फिनोमिना कैसे काम करता है स्टूडेंट्स? दिन के समय जो लैंड होती है जो जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है सी वाटर के मुकाबले. तो दिन के समय क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है जमीन जल्दी गर्म हो जाती है तो लैंड के ऊपर जो हवा होती है वो गर्म होकर ऊपर उठती है और उसके नीचे खाली जगह बन जाती है. और सी के ऊपर की जो ठंडी हवाएं होती हैं वो लैंड की तरफ चलती है और उस खाली जगह को भर देती है. तो दिन के समय सी से लैंड की तरफ जो ठंडी हवाएं चलती हैं उन्हें हम सी ब्रीज कहते हैं. सी ब्रीज ब्लोस ड्यूरिंग डे, तो यहां पर सही ऑप्शन रहेगा डे. दिन के समय सी ब्रीज सी से लैंड की तरफ चलती है. अब हम थर्ड पार्ट देखते हैं. डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा बी यानी के विंटर. सर्दियों के दिनों में विंटर के दिनों में स्टूडेंट्स हम डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं क्योंकि डार्क कलर जो होता है ये हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करता है. जब डार्क कलर के कपड़ों पर हीट पड़ती है तो ये डार्क कलर ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे सर्दियों के दिनों में भी हमारे शरीर की हीट बनी रहती है. तो हम कह सकते हैं डार्क कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग विंटर. विंटर के दिनों में हम डार्क कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं. अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे. लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग, इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा ए यानी के समर. गर्मियों के दिनों में समर के दिनों में स्टूडेंट्स हम हल्के रंग के यानी लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं. क्यों? क्योंकि जो लाइट कलर होता है जब इस पर हीट पड़ती है तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी में हीट को एब्जॉर्ब करता है और बाकी हीट को ये रिफ्लेक्ट कर देता है वापस भेज देता है जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता, ठीक है स्टूडेंट्स. तो ये गर्मियों के दिनों में भी हमें थोड़ा ठंडक का एहसास दिलाता है. तो हम कह सकते हैं कि लाइट कलर्ड क्लोथ्स आर प्रेफर्ड ड्यूरिंग समर. गर्मियों के दिनों में समर के दिनों में हम हल्के रंग के लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे. फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स डिस्कस व्हाई वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग. अब पहले तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स कि सर्दियों के दिनों में हमें ये प्रेफर किया जाता है कि एक मोटा गर्म कपड़ा पहनने की बजाय अगर हम दो या तीन गर्म लेकिन थोड़े पतले कपड़े पहने तो उससे हमारे शरीर की हीट ज्यादा अच्छे से बनी रहती है. देखिए फॉर एग्जांपल आप एक मोटी जैकेट पहनते हैं तो उसके कंपैरिजन में अगर आप दो या तीन थोड़े से पतले लेकिन गर्म स्वेटर पहने तो उसमें आपकी जो शरीर की हीट है वो ज्यादा अच्छे से बनी रहेगी और आपको ठंड नहीं लगेगी. ये कैसे होता है अब हम इसको समझते हैं. द एयर गेट्स ट्रैप्ड बिटवीन टू लेयर्स ऑफ वार्म क्लोथ्स. जब आप सर्दियों के दिनों में दो या दो से ज्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं स्टूडेंट्स तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है यानी हवा इकट्ठी हो जाती है. एयर एक्ट्स एज इंसुलेटर ऑफ हीट, और ये हवा इंसुलेटर ऑफ हीट की तरह काम करती है. इंसुलेटर ऑफ हीट का मतलब है कि ये अपने अंदर से हीट को बाहर नहीं जाने देती यानी ये हवा अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती है.
दिस लेयर प्रिवेंट्स अवर बॉडी हीट टू एस्केप इन द सराउंडिंग। और ये जो कपड़ों की लेयर होती है जिनके अंदर हवा इकट्ठी हो जाती है, ये हमारी जो बॉडी की हीट होती है स्टूडेंट्स, उसको बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर नहीं होने देती, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा बना रहता है। हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं जाती और ये हीट बनी रहती है। मोर लेयर्स ऑफ थिन क्लोथ्स विल अलाउ मोर एयर टू गेट ट्रैप्ड एंड एज अ रिजल्ट वी विल नॉट फील कोल्ड। तो सर्दियों के दिनों में स्टूडेंट्स, एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय अगर आप दो या तीन पतले कपड़े पहनते हैं, गर्म लेकिन पतले कपड़े, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हवा उसमें ट्रैप हो जाती है और हमारी बॉडी को ठंड नहीं लगती, हमारी बॉडी की हीट बनी रहती है, क्योंकि इन कपड़ों की लेयर के बीच में जो हवा है ये हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देती। सो वियरिंग मोर लेयर्स ऑफ क्लोथिंग ड्यूरिंग विंटर कीप्स अस वार्मर देन वियरिंग जस्ट वन थिक पीस ऑफ क्लोथिंग। यानी कि सर्दियों के दिनों में एक मोटा कपड़ा पहनने के बजाय अगर हम दो या तीन पतले, गर्म लेकिन दो या तीन पतले कपड़े पहने, तो उसमें हमारे शरीर की गर्मी ज्यादा बनी रहती है और हमें ठंड नहीं लगती। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सिक्स करेंगे स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया स्टूडेंट्स, लुक एट फिगर 4.13, मार्क वेयर द हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, बाय कन्वेक्शन एंड बाय रेडिएशन। तो यहां पर हमसे ये कहा गया स्टूडेंट्स कि इस डायग्राम को देखना है और उसके बाद हमें ये बताना है कि इसमें कौन सी जगह पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के द्वारा हो रही है, और किस पार्ट में हीट कन्वेक्शन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है, और कौन से पार्ट में हीट रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। तो अभी से ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। देखिए यहां पर नीचे की तरफ ये बर्नर में से ये फायर आ रही है, ये फ्लेम आ रही है, तो ये जो फ्लेम है इसके थ्रू जो ये हीट ऊपर जा रही है, यहां पर तो ये हीट रेडिएशन के द्वारा ट्रांसफर हो रही है। देखिए ये बर्नर डायरेक्ट तो ऊपर इस बर्तन को टच नहीं कर रहा, और यहां से हीट ऊपर जा रही है जो इस बर्तन को गर्म भी कर रही है। तो ये जो हीट यहां से जा रही है इसको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, मीडियम हो तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, क्योंकि ये बर्तन को तो गर्म कर ही देगी। तो यहां पर जो ये फ्लेम, जो ये फायर अपनी हीट ट्रांसफर कर रही है ऊपर बर्तन की तरफ, ये ट्रांसफर हो रहा है कौन से प्रोसेस के द्वारा? रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा। तो यहां पर तो आएगा रेडिएशन प्रोसेस। और ये भी ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स कि रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा जो हीट ट्रांसफर होती है उसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, मीडियम होता है तो भी हीट ट्रांसफर हो जाती है, और मीडियम नहीं होता तो भी हीट ट्रांसफर हो जाती है। अब इसके बाद देखिए स्टूडेंट्स कि ये जो फ्लेम, ये जो फायर है, ये इस बर्तन को अब गर्म करेगी। अब ये तो इसको एक ही जगह पे टच कर रही है, जबकि ये मेटल का बना हुआ बर्तन ये तो पूरी तरह से गर्म हो जाता है। अब यहां पर जो इसमें हीट का जो ट्रांसफर होता है वो होता है कौन से प्रोसेस के द्वारा? कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि मेटल के बनी हुई किसी चीज को अगर आप एक तरफ से गर्म करते हैं तो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा वो हीट उसके दूसरे एंड्स तक भी पहुंच जाती है। जैसे कि मान लीजिए आप एक लोहे की रॉड लेते हैं और उसको एक साइड से गर्म करते हैं, तो वो हीट ट्रांसफर होकर उस लोहे की रॉड के दूसरी तरफ भी चली जाती है। तो जब ये फायर इस बर्तन को नीचे की तरफ से गर्म करती है तो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा ये हीट इसके हर एंड तक पहुंचती है और इस बर्तन को पूरी तरह से गर्म कर देती है। तो इस बर्तन में जो हीट का जो ट्रांसफर हुआ वो हुआ कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि इस बर्तन में जो ये पानी है ये पूरी तरह से गर्म कैसे होगा, इस पानी में हीट का ट्रांसफर कैसे होगा? पानी में हीट का ट्रांसफर होता है स्टूडेंट्स कन्वेक्शन मेथड के द्वारा। कैसे? इसको ध्यान से समझिएगा। यहां पर ये फ्लेम इस बर्तन को नीचे की तरफ से टच कर रही है और जो पानी यहां बॉटम की तरफ होगा सबसे पहले वो गर्म होगा। तो जब ये पानी के पार्टिकल्स यहां नीचे से गर्म होंगे तो ये पार्टिकल्स ऊपर की तरफ उठेंगे, और जो पानी के ठंडे पार्टिकल्स है वो यहां साइड से नीचे की तरफ जाएंगे, फिर ये पार्टिकल्स गर्म होंगे, फिर ये ऊपर की तरफ उठेंगे, और ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन मेथड।
मेथड। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स कि नीचे की तरफ से पहले पानी को जहां पर डायरेक्ट हीट मिल रही है वो गर्म होगा, ऊपर की तरफ उठेगा, और जो ठंडे पानी के पार्टिकल्स हैं वो यहां से नीचे जाएंगे, फिर उनको गर्मी मिलेगी, वो ऊपर उठेंगे, वो गर्म हो जाएंगे, फिर ऐसे ही जो ठंडा पानी है वो नीचे जाता रहेगा और गर्म होकर वापस ऊपर की तरफ आता रहेगा, और इस तरीके से ये पूरा पानी भी गर्म हो जाएगा। तो यहां पर हमने तीन चीजें देखी, ये जो फायर यहां पर हीट ट्रांसफर कर रही है ये हो रहा है रेडिएशन प्रोसेस के द्वारा, ये जो बर्तन गर्म हुआ इसमें जो हीट का ट्रांसफर हुआ वो हुआ स्टूडेंट्स कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा, और जो ये पानी में हीट का ट्रांसफर हुआ जिसकी वजह से पानी पूरा गर्म हुआ ये हुआ कन्वेक्शन प्रोसेस के द्वारा, इसमें हीट का ट्रांसफर कन्वेक्शन के द्वारा हुआ। आप स्टूडेंट्स इस तरीके से भी ये तीनों मेथड यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए हमने एरो के थ्रू दिखाया कि यहाँ पर ये रेडिएशन के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रही है, और यहाँ पर जो ये मेटल गर्म हुआ, ये जो बर्तन गर्म हुआ, ये किसके थ्रू हीट ट्रांसफर हुई, इसमें कंडक्शन के थ्रू, और पानी में जो हीट ट्रांसफर हुई वो हुई कन्वेक्शन के थ्रू। अब हम सेवेंथ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। सेवेंथ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट, एक्सप्लेन। पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि जो गर्म जगह होती है स्टूडेंट्स, जहां का क्लाइमेट हॉट होता है, वहां पर घरों की जो दीवारें होती है उनको बाहर की तरफ से व्हाइट पेंट क्यों किया जाता है। अब हम इसको समझते हैं कि ऐसा क्यों किया जाता है। इन प्लेसेज ऑफ हॉट क्लाइमेट, ऐसी जगह जहां पर हॉट क्लाइमेट होता है, जहां गर्मी बहुत रहती है, इट इज एडवाइज्ड दैट द आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज बी पेंटेड व्हाइट, वहां पर घरों की दीवारों को बाहर से व्हाइट पेंट किया जाता है, बिकॉज व्हाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द हीट दैट फॉल्स ऑन इट, और वी कैन से इट एब्जॉर्ब्स लेस अमाउंट ऑफ हीट। यानी कि जो व्हाइट कलर होता है स्टूडेंट्स, जब इसके ऊपर हीट पड़ती है, जब सनलाइट की हीट इसके ऊपर पड़ती है, तो ये ज्यादातर हीट को तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से अंदर से घर कैसे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। देखिए यही यहां पर लिखा गया है, देयरफॉर द टेम्परेचर इन साइड द हाउस डज नॉट इंक्रीज वेरी मच, इसकी वजह से घरों के अंदर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं बढ़ता और अंदर ठंडक सी रहती है। अब हम एट्थ क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट्स। एट्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 1 लीटर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। यानी कि आपने 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वाला 1 लीटर पानी लिया और उसे मिक्स कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस वाले 1 लीटर पानी के साथ। इसके बाद हमसे कहा गया है द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, अब ये दो अलग अलग टेम्परेचर वाले वाटर को आपस में मिलाने से जो मिक्सचर तैयार हुआ इसका जो टेम्परेचर होगा उसके लिए हमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट्स। ए ऑप्शन है 80 डिग्री सेल्सियस, बी ऑप्शन है मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस बट लेस देन 80 डिग्री सेल्सियस, सी ऑप्शन है 20 डिग्री सेल्सियस, और डी ऑप्शन है स्टूडेंट्स बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो सही आंसर रहेगा स्टूडेंट्स वो रहेगा डी ऑप्शन, यानी कि बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब हमें कैसे पता चलेगा स्टूडेंट्स कि यही ऑप्शन ठीक है? तो यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं तो जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो उस दूसरी चीज में अपना हीट ट्रांसफर, अपना टेम्परेचर को ट्रांसफर करती है जिसमें कि टेम्परेचर कम होता है। तो यहां पर 1 लीटर पानी ऐसा था जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, और 1 लीटर पानी ऐसा था जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था। तो जब हमने इनको मिक्स किया तो वो पानी जिसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस था वो अपना टेम्परेचर ट्रांसफर करेगा पानी के उस पार्ट में जिसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था, तो इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, यानी कि जो मिक्सचर का टेम्परेचर होगा वो 30 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होगा और 50 डिग्री सेल्सियस से कम होगा, यानी इनके बीच में होगा। तो सही ऑप्शन है डी, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एन आयरन बॉल एट 40 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड
इन अ मग कंटेनिंग वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि एक मग है जिसमें कि पानी है और उस पानी का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस। आपने इस पानी में एक आयरन बॉल डाली, यानी एक लोहे की बॉल डाली, और उस लोहे की बॉल का, उस आयरन बॉल का टेम्परेचर भी कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। अब आगे हमसे कहा गया है द हीट विल, अब इसमें चार ऑप्शन हमें दिए गए स्टूडेंट्स, फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, यानी कि जो हीट होगी वो आयरन बॉल से वाटर में फ्लो होगी, या फिर बी ऑप्शन, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी कि हीट ना तो आयरन बॉल से वाटर में फ्लो होगी ना वाटर से आयरन बॉल में। सी ऑप्शन है, फ्लो फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी कि जो हीट होगी वो वाटर से आयरन बॉल में फ्लो होगी, या फिर डी ऑप्शन, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बोथ, कि जो हीट होगी वो दोनों का ही टेम्परेचर बढ़ा देगी, आयरन बॉल का भी और वाटर का भी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स बी ऑप्शन, नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, यानी के हीट जो है वो ना तो आयरन बॉल से वाटर में फ्लो होगी और ना ही वाटर से आयरन बॉल में। ऐसा क्यों हुआ स्टूडेंट्स? क्योंकि जिस पानी में आयरन बॉल को डाला गया, देखिए पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो दोनों का ही टेम्परेचर सेम है। तो जब आप दो चीजों को मिक्स करते हैं और दोनों ही चीजों का टेम्परेचर सेम होता है तो हीट किसी भी तरफ ट्रांसफर नहीं होती। हाँ, अगर किसी एक चीज का टेम्परेचर ज्यादा हो और दूसरी चीज का टेम्परेचर कम हो, तो जिस चीज का टेम्परेचर ज्यादा होता है वो अपनी हीट को ट्रांसफर करता है उस चीज में जिसका टेम्परेचर कम है। लेकिन यहां तो पानी का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है और आयरन बॉल का टेम्परेचर भी 40 डिग्री सेल्सियस है, तो यह हीट जो है वो ना तो आयरन बॉल से वाटर में जाएगी और ना वाटर से आयरन बॉल में। तो यहां पर सही ऑप्शन रहेगा बी ऑप्शन, द हीट विल नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर, ना तो हीट आयरन बॉल से वाटर में जाएगी और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल, और ना ही ये हीट वाटर से आयरन बॉल में जाएगी। अब हम 10th क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ वुडन स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ आइसक्रीम, एक लकड़ी का बना हुआ स्पून है उसे आपने आइसक्रीम के कप में डाल दिया, इट्स अदर एंड। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये क्वेश्चन इस तरीके से है कि जो आइसक्रीम का कप है आपने उसके अंदर वुडन स्पून यानी लकड़ी के चम्मच को डाला, उसका एक पार्ट तो आइसक्रीम के अंदर है और उसी स्पून का दूसरा जो एंड है वो आइसक्रीम के बाहर है, तो इट्स अदर एंड ए ऑप्शन है बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो उस वुडन स्पून का जो दूसरा एंड है क्या वो कंडक्शन प्रोसेस के द्वारा ठंडा हो जाएगा, या फिर बी ऑप्शन बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, या फिर उस वुडन स्पून का दूसरा एंड कन्वेक्शन के द्वारा ठंडा होगा, या फिर सी ऑप्शन बिकम्स कोल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन, यानी कि उस वुडन स्पून का जो एंड है क्या वो रेडिएशन के प्रोसेस के द्वारा ठंडा होगा, या फिर डी ऑप्शन डज नॉट बिकम कोल्ड, कि उस वुडन स्पून का जो दूसरा एंड है वो ठंडा होगा ही नहीं। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहां पर सही ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स डी ऑप्शन डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी जो लकड़ी का चम्मच है जिसका एक एंड तो आइसक्रीम के अंदर है और दूसरा एंड बाहर की तरफ है, तो उसका दूसरा एंड ठंडा नहीं होगा। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स? देखिए, जो स्पून है वो लकड़ी का बना है और जो वुड यानी लकड़ी होती है ये इंसुलेटर ऑफ हीट होती है, यानी कि हीट यानी टेम्परेचर को अपने अंदर से फ्लो नहीं होने देती, पास नहीं होने देती, तो इसमें टेम्परेचर का कोई भी इम्पैक्ट दूसरे एंड तक नहीं जाता। हाँ, अगर ये वुडन स्पून ना होता और एक मेटल का बना हुआ स्पून होता जैसे स्टील का या आयरन का, तो अगर एक तरफ से ये गर्म है तो वो हीट दूसरी तरफ चली जाती, और अगर ये एक तरफ से ठंडा है तो वो दूसरी तरफ से भी धीरे धीरे ठंडा हो जाता, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा क्योंकि जो लकड़ी है वो अपने अंदर से हीट या टेम्परेचर को फ्लो होने नहीं देती। तो यहां पर सही ऑप्शन है डज नॉट बिकम कोल्ड, यानी कि जो लकड़ी का बना हुआ चम्मच है उसका दूसरा एंड ठंडा नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे स्टूडेंट्स। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है स्टेनलेस स्टील पैंस आर यूजली प्रोवाइडेड विथ कॉपर बॉटम्स, जो स्टेनलेस स्टील पैंस होते हैं उनमें जो बॉटम पार्ट होता है उस पे कॉपर चढ़ाया जाता है, कॉपर लगाया जाता है, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं? यहां पर हमें कुछ ऑप्शन दिए गए स्टूडेंट्स,
ए ऑप्शन है कॉपर बॉटम्स मेक्स द पैन मोर ड्यूरेबल, कि अगर बॉटम को कॉपर का बनाया जाए तो जो पैन होता है वो ज्यादा समय तक चल सकता है, या फिर बी ऑप्शन सच पैन्स अपीयर कलरफुल, कि अगर बॉटम पे कॉपर लगाया जाए तो इस तरह के जो पैन्स होते हैं ये ज्यादा कलरफुल दिखते हैं, या फिर सी ऑप्शन कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर होता है वो ज्यादा अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट होता है किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के मुकाबले उसके कंपैरिजन में, या फिर डी ऑप्शन कॉपर इज इजियर टू क्लीन देन द स्टेनलेस स्टील, कि जो कॉपर होता है उसको साफ करना ज्यादा इजी होता है किसके कंपैरिजन में, स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। तो यहां पर अब हमें सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, तो यहां पर सही ऑप्शन रहेगा स्टूडेंट्स सी ऑप्शन, कॉपर इज बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील। जो ये स्टेनलेस स्टील पैंस होते हैं स्टूडेंट्स, इनके बॉटम में कॉपर इसलिए लगाया जाता है कि जो कॉपर होता है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट होता है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में, यानी कि जो कॉपर यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील पैंस के बॉटम में, वो जल्दी से उस पैन को गर्म कर देता है, वो बड़ी आसानी से अपने अंदर से हीट को फ्लो होने देता है, तो वो जो पैन है वो जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी हम यूज कर सकते हैं उसका। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है सी, द रीजन फॉर दिस कुड बी दैट, यही हमें दिया गया था कि क्या रीजन है कि हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं स्टेनलेस स्टील पैंस के बॉटम में, उसका रीजन ये है कि कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन द स्टेनलेस स्टील, जो कॉपर है वो बेटर कंडक्टर ऑफ हीट है स्टेनलेस स्टील के कंपैरिजन में। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।